महीने पहला भी इन्होंने मेरे नाल लड़ाई झगड़ा किया, मेरी बेटी ते हमला किया, हाले तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, आहो अज सवेरे मेरा बेटा 9:30 बजे काम से चलिया, तो 4-5 बंदे 2-4 जनानियां उन्होंने पिछों आके फड़ लिया, कहिंदे इत्थे बह जा, इत्थे तैनूं असीं दसदे आ। तुसीं आप इत्थे देखो भी इन्ना जुर्म भी पुलिस का कोई रोल नहीं। सवेरे 112 ते टेलीफोन किया होया, वह आके मुड़ गए, मतलब किसी बंदे नूं घरों कढ गए, सिर्फ उस परिवार च 3 लेडीज हैं। ਸ਼ਰਿਆਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ, ਸ਼ਰਿਆਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अपनी बेटी मेरी पढ़ती है, एक का ब्याह किया वा, पता नहीं लोगों तो मंग मंग के इन्हां दे मुंडे नाल ब्याह हुई है मेरी कुड़ी, हुण दसो मैं कित्थे जावां, हुण मेरा मकान ते कब्जा वा, कहिंदी मेरी जुत्ती भी कट के देखो। कोई अपना माल मकान किराए ते क्यों दिंदा भी मैनू कोई 4 पैसे दे इनकम होवे। ओह विडो लेडी है, ओहदे कोई अगे पिछे नहीं है, कोई ओहदा जवाक नहीं है, कोई कुछ नहीं है, देण दा ओहदा हक। इहने दोनों बेटा नहीं है, इहनां दी बेटियां, इहनां दोनों अगली करजा फड़ के, पैसे फड़ के, कितों ब्याजी फड़ के अपनी कुड़ी दा ब्याह कर रहे ने, उहनूं किराया नहीं दित्ता जा रिहा, दसो ओह लेडी की करेगी। असीं हुण इहदी पड़ताल करदे हां, जो भी बनदी कारवाई करांगे, जिस बंदे ने जो भी कम कीता इहनां ने लुधियाना लाइव देखने वाले तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं विशाल कपूर, इस समय असी 39 सेक्टर के कोल खड़े हुए हैं, तो एक परिवार जिहड़ा है रोड के उत्ते आके बैठ चुका है, रोड पूरी जाम कर दी गई है, पिछे तस्वीर दिखा रहे हैं, गलबात भी करांगे। की नाम है जी तुहाडा, की मामला है? मामला जी साडे मालक मकाना दा स्टे मेरे नाल स्टे चलता पिया सी, ते 2 महीने पहला भी इन्होंने मेरे नाल लड़ाई झगड़ा किया, मेरी बेटी ते हमला किया, हाले तक कोई सुनवाई नहीं हुई। ठीक है, आहो अज सवेरे मेरा बेटा 9:30 बजे काम से चलिया, तो 4-5 बंदे 2-4 जनानियां उन्होंने पिछों आके फड़ लिया, कहिंदे इत्थे बह जा, इत्थे तैनूं असीं दसदे आ। वह बेटा मेरा घबरा गया, 19 साल का सी, ते उन्हें कहा आखिर आंटी मैं किया की है, तुसीं मैनूं दसो तो सही, कहिंदे अंदर चल, अंदर जाके दस दे, उहदी बांह फड़ के अंदर ले आए। ये जो चोटां लगियां किदां लगियां ने? ये उन्होंने हमला किया मेरे ते, पता ही नहीं जी की मारिया उन्होंने, घट्टो घट 50 बंदे सी। ओह लेकिन तुहानू उत्थे काफ़ी 6 महीने पहले भी असीं आए सीगे, उस वेले भी तुहाडा मामला विचारधीन सीगा थाने दे विच, उस तो बाद अज नू की हो गया कि इन्ना क कुटमार हो गया? अज सानू पता ही नहीं जी सानू की होया, ये तो असीं सुते उठे हाँ, मैं बेटे नू हाले काम ते 9:30 बजे सवेरे भेजिया, सानू पता ही नहीं, ना इन्हां कोई गल सी ना कोई बात, इन्होंने सीधा ही आके साडे ते हमले करने शुरू कर दिते। लेकिन पहला SHO चेंज हो गया, नवा SHO आया, उहदे मामले ध्यान च सीगा? मामला उहदे मामले ध्यान सी, उन्होंने सानू बुधवार का टाइम दिता हुआ सी, आ जाइयो भी तुसी गल कर लियो आके, लेकिन ये कोई गल नहीं सुनते, ना किसी नू कोई गल करते ना कुछ, अज साडे नाल बिल्कुल ही धक्का कर दिता इन्होंने, मेरिया कुड़ियां नू इन्होंने मारिया कुटिया, सानू एक तरह का बंदी बना के इन्होंने अंदर घट्टो घट 2 घंटे रखिया अपने घर के विच, ते उदो बाद इन्होंने बंदे भी बुला ले, परमिंदर आई, ठीक है, उदो बाद करमवीर, हरमन सारे आ गए, उन्होंने मेरे नाल हथों पाई की, आ देखो मेरे ते इन्ना मारिया, मेरे इत्थे की प्राइवेट पार्ट ते भी इन्होंने मैनू लत्तां मारियां, मेरी कुड़ियां नू हथ मूँह ते रख दिते भी इन्हां दी आवाज़ ना बाहर कट जाए। बच्चे वो समान दे कोल बैठे आ, समान बाहर सड़ता, समान मेरा बाहर पिया। SHO कित्थे ने? SHO हुण उन्हां दे घर गए आ, साडे जिथे असीं रह रहे हां उत्थे मालक मकान जनानियां वो लैके बैठे जिन्हां ने साडे ते हमला कीता सी। जिहड़े बंदिआं ने इन्हां बदतमीजी कीती है, जिहड़ा उस तों पहलां लड़की नाल बदतमीजी कीती है, वह परचा दर्ज होना चाहीदा। धरना तां चक्कांगे, जिहड़ा समान इन्हां ने बाहर सिट्टिया वा वह इन्हां दा अंदर खाया जावे। इन्हां दे नाल ही असीं ये रौला देख के असीं भी आ गए भी ये बेचारे नाल किन्ना जास्ती हुई है, इहदा कोई हल होना चाहिए, बेचारियां छोटिया छोटिया बच्चियां ने, इंसानियत भी तो कोई चीज़ है। बिल्कुल, धरना बेशक लगा रही, तो तुहानू लगता कि धरने नाल हल हो जूगा कि इंसाफ मिल जू इस महिला नू? एदा मैं भाई साहब, एदा तुसीं आए सानू बहुत अच्छा लग्या,
ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜੁਰਮ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ 112 ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜੈਂਟਸ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡਾ ਧੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤੈ ਸਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿੱਤਾ ਵੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਹੋਇਆ ਵੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸਿੰਡਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ SHO ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, SHO ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ? ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਵੇਰੇ 112 ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ MLR ਵੀ ਕਟਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਸਿੱਟਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਕਿਆ ਉਹ ਤਿੰਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹਦੀਆਂ ਦੋ ਵਾਲੇ ਕੁਆਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਅੱਜ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੌਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਅਸੀਂ SHO ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਦ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਹੋਏ ਥਾਣੇ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਫੜ ਕੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ SHO? SHO ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਸਾਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੋਠੀ ਚਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨਹੀਂ? ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਧਰਨਾ 1 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਇੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, SHO ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ SHO ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਾਈਟ ਗੱਡੀ ਲੰਘੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ACP ਦੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਹਰੇਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ ਧੱਕਾ? ਇਹ ਧੱਕੇ ਸਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਹਸਬੰਡ ਤੋਂ ਹੈ ਔਰ ਧੀਆਂ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਿਆਰੀ ਆ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਟਿੱਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ। ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਸਮਾਨ? ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੈਪ ਹੋਇਆ ਆ, ਮੇਰੇ ਗਹਿਣੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਸ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਲੈ ਗਏ। ਨਹੀਂ, ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਾਈ ਜਮੂਈ ਹੈਗਾ ਕੋਈ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਮਾਗਰੋਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਪਿਆ, ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾਰੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ SHO ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ SHO ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਮਰੇ, 2-2 AC ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਬੇਦਵਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖਰਚਾ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੜ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਜਨਾਨੀ ਹੈ।
जबरदस्ती की जबकि अद्धे घंटे बाद कुड़ी एन सही सलामत स्कूटर से असी थाने जाके बह गए सारे जने अपने अंदर बैठ के सब कुछ मजे कर रहे ने असी थाने च बैठे मेरे हसबैंड है नी मेरा की कहंदे पुराना चलदा पिया सी बिड्डो लेडी ने पिछले 3 साल तो इन्हों का किराया नहीं दे रहे ठीक है ये बेचारे किराए तो ही अपना गुजारा करते हैं इन्होंने उन्होंने किन्नी वारी कहा भी मेरा मकान खाली कर दे कर दे कर दे पर कहती है हर बारी इन्हों धमकी दे दी है लॉलीपॉप दे दी है एक विवाद हुए थे थाने के जो नरदीप सिंह SHO से उदो भी विवाद सदों की लिपटिया की सगा उस वे उदो भी इन्होंने गलत इल्जाम लाए थे कि हाँ जी साड़ी कुड़िया आके करते इदा करते जब अपना आही मुंडा गलत किया जद के मैं दरवाजे के बिचाले खड़ी सी मुंडे अंदर नहीं बड़े है अज भी कोई बंदा आज कोई भी मुंडा अंदर नहीं बढ़िया किराए देंगे हम क्यों तुम मेरे को किराए दे रहे हो मैं की जरूरत है बस गल खत्म जे किराए का देख राना मामा क्या दिखा दे नहीं जे मेरे को कोई खर्चा हो मैं फिर भी कहा मेरा खर्चा इतों ही चलता है एसी मकान तो मेरा खर्चा चलता वा मेरे हसबैंड ने 5 साल हो गए मेरे जो SHO आया हुण मोती नगर दे तुहानू की किया उन्होंने मैनू कुछ नहीं किया कहिंदे तुसीं उत्थे थाने आ जाओ ते ओह कहिंदे सी वी लॉक नहीं लाण देणा हैगा लॉक मुंडी फेर इन्होंने लाता हैगा मकान मालक नूं बहुत धक्के कट गए ओह कहिंदे जी असीं समान बाकी बोल रहे ने बिकी कहिंदे समान असीं अंदर खाणा वा धरना लगा दित्ता गया एक धरना लगा दित्ता गया कि आखिर पुलिस दे उत्ते प्रेशर भी बिल्ड कर दित्ता गया उन्होंने धरना लगा के रोड जाम कर दी फिर तुसीं इंसाफ किदां ले लोगे नहीं फिर धरना असीं भी लगा लांगे फिर मकान मालिक धरना नहीं ला सकदा जे किराया मान लो मैं किसी दा किराया नहीं दिंदा किसी दे मकान दे विच रहना ते किराया ना देण तों बाद मैं धरना ला लिया ते मैं इहदे मतलब सही हो गया सही है कोई अपना माल मकान किराए ते क्यों दिंदा भी मैनूं कोई 4 पैसे दे इनकम होवे ओह विडो लेडी है कोई अगे पिछे नहीं है कोई जवाक नहीं है कोई कुछ नहीं है देन दा ओदा हक इन्हें दोनों बेटा नहीं है इन्हां दी बेटियां इन्हां दोनों अगली कर्जा बेटियां अगली कर्जा फड़ के पैसे फड़ के कितों ब्याजी फड़ के अपनी कुड़ी दा ब्याह कर रहे ने उहनूं किराया नहीं दित्ता जा रहा दसो ओह लेडी की करेगी मतलब सबक की मिलिया की अज दी जनरेशन तुहानूं लगदा कि मकान किराए ते नहीं देणा चाहिदा रेंट ते बिल्कुल नहीं देणा चाहिदा मैं कहना कोई होर अर्निंग कर लो किराए ते देण लई वाकई सही बंदे भी बेचारे रगड़े जांदे आ जिहड़े सही है उहनां नूं दुगरी तो खर्च के आ रही हां अंदर दाखिल बिलकुल भी नहीं दरवाजे ते खड़ जांदी कुत्ते भेजूगी बाहर कुत्ते मैनूं भौंक के मेरे मगर पैंदे आ पेटबॉल कुत्ते रखे हुए ने जेड़े कि नहीं आप रख सकते पेटबॉल कुत्ते है खुले खुले रख देंगे कि ना उपर किराएदार सके एक होर वो किराएदार भी दुखी सके वो कहते SHO ने की कहा कि तुसी भी अपनी प्रॉपर्टी अंदर नहीं जा सकते नहीं आए कुछ भी नहीं किया आए कुछ नहीं किया उन्होंने इदा क्या कहते लॉक ला के तुसी चलो नहीं 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 कहते साडे नाल थाने चलो बयान लेना वा क्योंकि लॉन ऑर्डर भी पुलिस के हाथ च है उन्होंने देखना किस तरह मेंटेन करना है किदा धरना चुकाना किदा दूजे पक्ष की सुननी है कोई रेंट डील बनाई सी तुसी मकान मालिक मकान किराए देता हूं हर कोई किराएदार आके स्टे ले लूगा फिर मकान मालिक गैस एजेंसी बुक ते जिस चे मिलन लग पे फिर तो गल ही मुक गई वाईफाई दे बिल ते
पड़ोसियों ये पूछ सके हो भी वह किदा का व्यार करती है और की काम करती है। वह पड़ोसियों ने ही दसता और सारा महला गवाब है। इस गल बारे मैं झूठ बोल रहा वह पूछ सकते हो, ठीक है ना जी? अपनी जो दिल की गल सारी दसी है ना जी। इस तो बाद अही कुछ कह नहीं सकते, तुम वध जानकार हो, तुम चौथा थम हो ब्रदर, तुम चौथा थम हो, तुम सारा कुछ अन्याय तुम भी करा सारा कुछ है जी। बिल्कुल हम तुम थाने चले हो। हाँ जी, हाँ कह रहे कोई अपन कह रहे कहते बयान बयून लेने हैं कि कहते उन्होंने बयान लेने, सानू नहीं पता कहते बयान लेने हैं। हम साहब उन्होंने भी पता एस एच ओ साहब की गड्डी के है कि नहीं। मैं देखिया बाई जी कह तो पूछना चाहिए ही है, लेकिन तुम दस दिए कि यह मामला 39 सेक्टर का है, जो दूजा पक्ष भी जो सा ले कह रहे हैं कि लेडीज जी उन्होंने किराए नहीं दिता से स्टे लिती हुई है, तो हूँ थाने असं बयान लिखाने ने यह गल की। नहीं नहीं मैनू एक दसो, जो किराया नहीं देंगे क्या मालकों के हक है भी वह बदमाशी ना बंदे लिया के पंजा और उन्होंने अंदर कुटमार कर। कट्टन लगा मैं उन्होंने पूछा कि तुम बदमाश बुलाई से, आरोप लगाया दूजी पार्टी ने कि तुम बदमाश बुला के समान बार कटिया, कहते असं कुछ नहीं कटिया। मैं जो उन्होंने लिशान सुनो, मैं जो लिशान लगे लेडीज ना कुटमार हुई है वो किन्ने की है, कहते भी असी नहीं की। नहीं चलो नहीं की, चलो उन्होंने गल हर बंदा अपने पक्ष का रखता ही है। मैनू यह दसो भी क्या वो समान भी आप ही लगे चक्के, जे कहते असं कुटमार नहीं की समान उत्थे किदा पहुँच गया घर का समान भी तो इन्होंने बंद ने जो बुलाए हैं गुंडे उन्होंने छड़िया ना अपने आप लैके गए है नहीं, 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 नहीं जे अपने आप लैके गए होते फिर ये रौला पैंदा। चलो ये दसो जे अपने आप वो चक्के लै जाते फिर रौला पैंदा। लेकिन रेंट डील की गल की भी 1.5 साल 3 साल तो रेंट डील नहीं बनाई गई, केस चलता ना वह कोर्ट च केस चलता, जब कोर्ट च केस चलता है कोर्ट ऑर्डर कर दूगी पुलिस आके खाली करा दूगी। ये मिली हुई है बिल्कुल, स्टे मिली भी है प्रोविजनल हैगी स्टे की, बिल्कुल हैगी है जी हैगी है हैगी है। फिर स्टे हैगी फिर तुसी पुलिस नूं ऑर्डर दिखाई नहीं? नहीं पुलिस नूं दिखाया, हुण पुलिस एस एच ओ आया कह के गया भी मैं अंदर बढ़ के जाना बंदे वो देखते हैं पुलिस की कार्रवाई पाती है। मैं उन्होंने को पूछा कि पुलिस की कह रही है, वो कह रही है कि ताली चाबी जी साढ़े को रहेगी, थाने दोनों पार्टियों बुलाया गया वै जो परिवार दूजे ने दसिया कि हम दोनों पार्टियां अपने बयान देनगियां। मैं कहना चलो पुलिस अपना काम, क्या अज रात लेडीज तो वो जो जवान कुड़िया जी एक कुड़ी अधरंग होया क्या सड़क से सौनगियाँ? नहीं पुलिस भी मीडिया में भी असं क्वेश्चन करते हैं भी क्या है ठीक है, असं मीडिया तो चाहते हैं गल पूरे पंजाब च इंडिया तक भेजी जाए भी एदा एक धक्का होया तीन लेडीज आना मगर जेंट्स कोई नहीं है, किराए तो रहना ना कोठी से इन बदमाशी करनी है तो लगता तो कोठी दबी जा सकती है, क्यों किराए से दती है? नहीं क्यों किराए से दती है, पहले तो तुम पहले तो 8 साल किराया खाधा है हूँ तुम बदमाशी कर दे जे नहीं है आप किराए से क्यों दती है? लेकिन वो कह रहे जब तक मेरे पति विडो भी लेडीज विडो है उन्होंने हाँ। कहा कि जब तक मेरे पति जिंदा सके तद तक बिल्कुल सही सके, उस तो बाद फिर थोड़ा आनाकानी करन लग। मैं कहना चलो लेडीज का हक है यार, उन्हों की कोठी है असं उस तो इग्नोर नहीं करते। मैं क्या यार मैं कहना क्या चलो एक काम होया वै चाहे वो घर वाले दी अज नहीं है आप दत्ती तो किराए तो है ना कब्जा करके तो नहीं अंदर बड़े किराया आप खाधा ना, जे किराया खाधा है फिर अज किराया जे नहीं दे रहे मैं इन्हों नहीं है मैं समाज के नाते खड़ा जे किराया नहीं दे रहे इन्होंने कोर्ट केस लाया कोर्ट केस लाया ना मतलब किराया नहीं देना तो कोर्ट चले जाओ है जो किराया नहीं देना तो कोर्ट चले जाओ की हल है फिर बदमाशी करके बाहर कर देंगे। गल दसो किसी की प्रॉपर्टी है अगर असि प्रॉपर्टी देती बाई जी ते आ जाना अपनी प्रॉपर्टी देती तू 1.5 साल तो किराया ना आता हो मैं मकता किराएदार हाँ मैं जाके कोर्ट चला गया स्टे लिया फिर तुम की करोगे मैं एक जवाब दो मेरी गल सुनो यदा जवाब दो मैं मैं देखो बदमाशी तो होनी नहीं ये तो हो बदमाशी ठीक है जो पुलिस बैठी है कानून बैठा है आप जे मैं कहना उन्हें कब्जा भी कर लिया क्या आप बदमाश बंदे बाहर सिर देंगे भाई जी मैं आ कह रहा कि 1.5 साल तो तुम रेंट नहीं आ रहा तो हैंड टू माउथ हो कमाई का साधन नहीं है कचहरी कहदे लई है मैंने दसो आप कोर्ट कहदे लई बनी है थाने कहदे लई बने अज भी आप इतने खड़े हैं भी इतने कोई झगड़ा ना हो जो सवेरे हो गया हो गया हूँ राती ना हो खड़े हैं ना तुम इतने आयो क्यों आयो भी झगड़ा है ताई आप इतने आए हैं ना तो यही चीज़ असं पूछना चाहते हैं। मैं कहना यार
नहीं किराया दिता, सानू नहीं पता दे रहे कि नहीं दे रहे, नहीं दिता। तुसी तो सीधा हल की है कि बंदे बुला के समान बाहर सीट दो। कैमरे लगे हुए की यार, कैमरे महल च लगे हैं। गुआंढी कह रहे कि असि इस लेडीज तो बड़े परेशान से जो उन्होंने कैमरे अगे अपने बयान दिते। मैं ठीक है, मैं देखो मैं मालिक है, देखो किराएदार का पक्ष लैन वाले तो तुहाडे वर्गे कोई सुलझे हुए बंदे होणगे, पर जिहड़े महल्लेदार हुंदे ना हमेशा मालक दे नाल ही रहणगे, उह कदे किराएदार दे नाल नहीं खड़दे। हल हुण की कीता जा सकदा, अदा हल की कीता जा सकदा, हल देखदे आं पुलिस की करदी है। हल इह कल नूं जनानी मैं कहिंदा मर गई, फिर इहदा जिम्मेवार कौन है? चलो ऐ दसो, ओहदी कुड़ी ते कोई अटैक हो जांदा, रात नूं उत्थे कुछ हो जांदा, कौन है ओहदा जिम्मेवार? मालक है, देख रही है, कानून व्यवस्था भी देखनी है, कानून व्यवस्था के तौर के उत्ते पुलिस भी इतने मौजूद है। पुलिस भी इतने मौजूद, पुलिस भाजी सवेर का 12 बजे तो पुलिस को टैलीफोन किया वै, हले तक पुलिस नहीं आई, हूँ आई है जो तो जाम किया। लेकिन दस दिए मोती नगर की गड्डी है, एस एच ओ जड़े ने अंदर ही बैठे हुए हैं, लेकिन तस्वीर है जो असी बयान लैन की कोशिश की तो एस एच ओ ने कहा कि रुक के मैं जरूर गलबात कराँगा, लेकिन तुम गल कर सकते हो, तुम पुछो कि है मामला, तो किस तरह भाई जी किस तरह तुम फिर रात को एस एच ओ पूछ सकते हो किस तरह बाहर रहोगे? फिर असी सिर्फ एस एच ओ इन्नी हाथ जोड़ के बेनती करना चाहते हैं भी ये लेडी जा तो थाने लै जाओ, इन्हें ही सेफ्टी करो, रात को कोई कांड ना हो जाए, क्योंकि दुनिया इदा दी है लेडी सड़क पर बैठी हो जे जा फैसला करा के अंदर बार दो, कोई गल नहीं, जो फैसला होगा फिर पुलिस को सारिया पावर है, जे ये लेडीज गलत है कोर्ट के आर्डर आ जाएंगे या सवेर उन्होंने को हक होगा समान बार कटन का उदो कर लें। असी कापी देखी है कोर्ट तो कोई ऑर्डर आए हो गए एस एच ओ ने देखे ने कि समान बार कोई बलजीत जी थाने ते ओ मैं कहना जो उन्होंने को आर्डर सन दिखा दें, जे पुलिस को आर्डर है भी इन्होंने बहर कटा दे आर्डर सन दिखा दें यार, सानू कोई इतराज नहीं है। देख सकते हो कि एस एच ओ जेकिन मोती नगर की पुलिस जी इतने मौजूद है, एस एच ओ भी मौजूद है, गलबात भी बेशक करांगे कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखते हुए किस तरह ये लॉ एंड ऑर्डर पूरा मेनटेन कि सर छोटा जहा सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर किदा देखते हो? लेकिन दरवाजा ही बंद कर लिता, दसो हुण इत्थे एक माहौल खराब होया पिया वै, तो माहौल दे विच एस एच ओ उत्थे जरूर खड़े हुए हैं, लेकिन मीडिया नूं कहा जा रहा कि खड़ जो हजे, लेकिन तुहानूं दस दिए कि एक परिवार जिहड़ा पूरा उर रात दे नेरे दे विच उत्थे पिया होया वै, लड़कियां जिहड़ियां उत्थे हैगियां ने, तो इधरली साइड भी दूजा परिवार हैगा वै जिन्हां दे घर नूं जिहड़ा ताला बेशक लगा दिता गया वै, लेकिन हुण मीडिया नूं पक्ष नहीं दिता जाऊगा, किदां कर लांगे असीं, तुसीं दस्सो। इहदा जवाब तां जी मौके दे अफसर ही दे सकदे, आए हैं इत्थे ओह दस्सणगे भी धक्का हुण देना जां अपने एरिए दी व्यवस्था संभालनी है। मीडिया को जवाब दिता जाना चाहिए कि नहीं? अब देना चाहिए जी, अभी तो कहने मीडिया जो पूछ रही है तो वह जवाब देना चाहिए की ऑर्डर है भी कि जो इन्होंने किया ठीक है, पुलिस उसके सहमत है तो ठीक है, उनको ऑर्डर है, फिर असं नहीं बोल रहे लड़ा, लेकिन असं ऑर्डर की कापी ही देखनी है कि उन्होंने कोई ऑर्डर की कापी सी कहने के मुताबिक समान बार कट असी स्टे तो बदमाशा ने कटिया जी, ये ना पुलिस ने कटाया, पुलिस ने नहीं कटाया, ना मोहल्ले ने कटाया, ये तो उन्होंने बंदे बुलाए, पहले बोल के मोहल्ला ही निकाल दिया होता, मोहल्ला ही निकाल दिया होता, बदमाश बुला के निकलना कोई अच्छा नहीं हो, आज मोहल्ला पूरा तैयार हो गया, ये मोहल्ला कल तैयार होकर निकाल दिया होता, अब उसके बाद पुलिस आती पब्लिक आती हो जाता। एक मिनट बड़े ब्रेक की है कि थोड़ा समझाऊंगे, इल्जाम लग रहे, नहीं नहीं जो इल्जाम लग रहे कि बदमाश बुला के सामान कटिया गया। एक मिनट बड़े ब्रेक, बदमाश नहीं बुलाए कुछ नहीं, सारे महल असि चीज चाहिए बदमाश ही होना वा वीरे मान योग इधर भी एक मिनट पढ़ लो, एक मिनट मान योग एस एच ओ साहब नु मोती नगर नु दित्ती है, भाई जी अपने मुंह अल्फाज बोलो की लिखा हो लिखा जी इस घर च गलत काम चलता वा जिदा गवाह वा सारा सारी गली पिछला महला भी गवाह वा उन्होंने भी एप्लीकेशन लिखी पई है बट पहल के आधार से गली है गली च विचरना कहता पिछली पार्क तो मैं की लेना आ सारी गली के सैन है जी पांच छे घर आ पांच छे घर की सैन है एस एच ओ साहब जज मैडम सब को एप्लीकेशन है नरदेव जी एस एच ओ सी उदो उत्थे मेरे ख्याल मोती नगर लैटर जो दी थी उदो एस एच ओ सी हुण नवे एस एच ओ आ गए ने उन्होंने वेचला का की कटिया तत्थ की कटिया ढाई महीने तो फिर असं रोज़ जाइना थाने बस जाइदा आ जाइदा वा गल कर सुने आई दी है एक मिनट
एक होर चीज देख लो आ सारिया कंप्लेंट्स ने आ कंप्लेंट्स ने एक मिनट नहीं जो उपरला खाली कराया उपर रेंट रही 12 साल तो उन्होंने आराम नाल खाली किया तो जाते हुए आई कंप्लेंट्स देखो जी आ सारिया कंप्लेंट्स दित्तियां हुई ने मगर कुछ बनता नहीं पाया जी इन्हों का आ देखो जी तुम जो कहोगे मैं 22 नंबर तुम कंप्लेंट दे दूंगा तो इस कोई गलत नहीं चीज़ हैगी लेकिन ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰੋਪ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਲਗਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਡੇ ਬਰਦਮਾਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉੱਥੇ ਸੜਤਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਥਾਣੇ ਚੱਲਿਓ ਅੱਜ ਤੋਂ 23-24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ SHO ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੋਈ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਕੁਛ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬੁਲਾਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਲੇਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਲੇਡੀ ਦੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਅੱਛਾ ਬਾਈ 40-50 ਬੰਦੇ ਅੱਜ 50 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਲੀ ਵੀਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਗਲੀ ਗਵਾਬ ਹੁਣ ਗਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਕਰੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜਾਂ 2 ਆਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨੇ ਠੀਕ ਨਾ ਇਹ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਲੀ ਗਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆਸ ਪੜੋਸ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ 50 ਬੰਦੇ ਲਾਲਾ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਾਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ DVR ਵੀ ਹੋਊਗਾ DVR 'ਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ 50 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ DVR ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵਾ ਕੈਮਰਾ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਫੜ ਜਾ ਕੈਮਰਾ DVR ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਸਮਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ SHO ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ SHO ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਥੋ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰ ਪੂਰਾ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇਖੀ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਆਫਿਸਰ ਹੋ SHO ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 50 ਕੁ ਬੰਦੇ ਆਏ DVR ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ DVR ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਲੋਨ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਂਗੇ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਮ ਜਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਣਾ ਮੋਤੀ ਨਗਰ ਦੇ SHO ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ ਲੇਕਿਨ ਲੋਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੋਂ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਰਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ